हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं काजीरंगा राइनोस वर्सेस चंबल चैलेंजर्स के बीच में होने वाला युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन का 15th मैच के बारे में। तो ये जो मैच है भाई, आपको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम बचे, 6 बजे मैच है, तो यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा बचे। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्शन पर अगर किस प्लेयर को लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको मैं बता दूंगा भाई। यहाँ पर आपको नवीन सिंह सबसे अच्छा पिक है भाई, आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, तो यहाँ पर एक इलियास खान आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, फिलहाल के लिए इनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ईरानजीत सिंह है भाई, अनिकेत ज्ञानंदे हैं भाई, यहाँ पर आप चाहे तो मुकीबुर रहमान को भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 3 डिफेंडर को पिक कर चुका हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको ऑलराउंडर सेक्शन पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है दुर्गेश नेतम कुमार, यूपी योद्धा के लिए भी खेल चुके हैं, लास्ट मैच में बहुत अच्छे खेले हैं भाई। प्रीवियस मैच एक मैच में फ्लॉप हुआ था, लेकिन आपको मैंने बताया प्लेयर कभी भी मैच को पलट सकता है भाई, तो इस प्लेयर को आप जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर गौरव वर्मा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हम 5 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं, 3 डिफेंडर 2 ऑलराउंडर हैं, लेकिन बाकी 2 राइडर्स को पिक करने से भाई पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @shatrughan225, अगर इस प्रकार सर्च करते हो तो आपको मेरे चैनल हो जाएगा। 2300 यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं और एक जो बंदा है मेरे नाम पर फेक चैनल क्रिएट किए, इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। और जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको मैं क्या क्या चीज़ें देता हूँ। तो भाई यहाँ पर पहला बात है 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो लास्ट मैच है वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा विन किया भाई, यहाँ पर स्मॉल लीग पे देख सकते हो। जो यूजर्स ग्रैंड लीग खेलना पसंद नहीं करते हैं तो हेड टू हेड पे तो भाई यहाँ पर जो मेरा टीम है आपको यहाँ पर 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप यहाँ पर रैंक वन आराम से ला सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो फिर हेड टू हेड पे यहाँ पर रैंक वन है हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्पॉट्स पर भी हमारी टीम रैंक वन है। तो भाई अगर आपको अपने लॉस को रिकवर करना है, अगर आपको लगता है कि मैं ग्रैंड लीग टीम पे कबड्डी पे मैच फिक्सिंग चल रहा है, तो चलिए आपको मैं स्मॉल लीग खेलने के लिए भी एक अच्छा टीम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप स्मॉल लीग के साथ अगर खेलेंगे तो यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हेड टू हेड और 3 स्पॉट अगर आप मेरी टीम के साथ खेलते हो तो यहाँ पर 95% आपको यहाँ पर विनिंग रेशियो मिलने वाला। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मैं दूंगा। ये चीज़ है भाई यहाँ पर जो काजीरंगा राइनोस और पेरियर पंथर्स के बीच में जो मैच हुआ था लास्ट मैच, तो काजीरंगा राइनोस ये मैच बुरी तरह हार गया था भाई, यहाँ पर 25 पॉइंट से हार गया था। और इस मैच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर काजीरंगा राइनोस के लिए, यहाँ पर नितेश रैना 1 राइट पॉइंट 3 टैकल पॉइंट 4 पॉइंट लिए, और मेंशन सिंह ने 3 राइट पॉइंट लिया भाई, ईरानजीत सिंह 2 राइट पॉइंट 1 टैकल पॉइंट रहा, इकती अहमद ने 2 टैकल पॉइंट लिया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्लॉप रहा, लेकिन इलियास खान यहाँ पर 1 राइट पॉइंट 1 टैकल पॉइंट लेके सब्स्टिट्यूट पर 2 पॉइंट लिए थे, अंकुर मोहन को यहाँ पर 1 राइट पॉइंट लिया। तो यहाँ पर कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेला, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर को मैं बता सकता हूँ नितेश रैना, आप इनको पिक कर लीजिएगा टीम पर। उसके बाद इकती अहमद एक डिफेंडर है भाई, 2 टैकल पॉइंट मिला, लेकिन यहां पर आज आपको काफ़ी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा भाई यहाँ पर। उसके बाद वही हम बात किया जाए तो चंबल चैलेंजर्स लास्ट मैच सिंसोनिक के खिलाफ 1 पॉइंट से हार गया था। और इस टीम के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुर्गेश नेतम कुमार काफ़ी अच्छे खेले, 11 राइट पॉइंट 1 टैकल पॉइंट कुल मिला के 12 पॉइंट लिए, संस्कार मिश्रा यहाँ पर 8 राइट पॉइंट है, जावेद खान 2 राइट पॉइंट 3 टैकल पॉइंट कुल मिला के 5 पॉइंट लिए, और यहाँ पर नवीन सिंह को भी 3 टैकल पॉइंट मिला, गौरव वर्मा ने यहाँ पर 2 टैकल पॉइंट लिया भाई। तो लास्ट मैच में यहाँ पर इनको हमने पिक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच में ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन ये प्लेयर अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मैच के हीरोज पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुर्गेश कुमार, संस्कार मिश्रा, इन दोनों को मैं यहाँ पर कंफर्म करूंगा भाई। उसके बाद जावेद खान को यहाँ पर तो ले ही रहा हूँ, नवीन सिंह को ऑलरेडी हम लोग पिक कर चुके हैं भाई। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए बाकी 2 प्लेयर्स में। तो जावेद खान यहाँ पर 100% रहेंगे भाई। तो यहाँ पर आप गौरव वर्मा लास्ट मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन इनको अवॉइड करना सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक राइडर पर जाना सही है। उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स है भाई आप किसको लेना चाहिए, मुकीबुर रहमान है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इलियास खान है, तो इलियास खान सब्स्टिट्यूट प्लेयर है भाई, आप इनको जरूर टीम पर रख लीजिएगा। तो कैप्टन पे नो डाउट यहाँ पर दुर्गेश नेतम कुमार रहेंगे, और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जावेद खान के साथ जाएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 पॉइंट इजीली ले रहे हैं, टैकल ले रहे हैं भाई, राइडिंग भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन टीम एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ईरनजीत सिंह है भाई, यहाँ पर अनिकेत ज्ञानंद है, और उसके बाद आते हैं भाई नवीन सिंह और इलियास खान है, ऑलराउंडर्स पर यहाँ पर गौरव वर्मा, और इसके साथ साथ दुर्गेश नितम कुमार है, और राइडिंग डिपार्टमेंट में जावेद खान। तो जावेद खान मेरे वाइस कैप्टन है, और कैप्टन पर यहाँ पर दुर्गेश नितम कुमार को ले रहा हूँ। तो भाई ये जो टीम है पहले इस टीम को आप सेव करके रख लेना, तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा टेलीग्राम पर। लेकिन भाई आपको 6 GL के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम दिया जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को कंपलसरी ज्वाइन कीजिएगा। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।